नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर से हाहाकार मचा है। कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से देश की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा रही है। कोरोना केस में कमी के साथ थोड़ी राहत मिली। कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में आई कमी, 24 घंटे में 3,29,000 नए केस, एक दिन में 3,889 लोगों की मौत, एक्टिव मरीजों की संख्या 37 लाख के पार। कुछ राज्यों में मामले कम जरूर आए हैं लेकिन मौत के आंकड़े अब भी डराने वाले हैं। कोविड से मरने वालों की संख्या 2,50,000 से ज्यादा पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। देश में अब तक 1,86,00,000 से ज्यादा मरीज कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हुए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 12,651 नए मामले आए सामने। कोरोना से बीते 24 घंटे में 319 मरीजों की गई जान। सूबे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 19,000 के पार। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने कहा कोरोना की वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाना होगा। केवल 2 कंपनियां न बनाए वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन का हर उस प्लांट में हो उत्पादन जहां हो सकता है निर्माण। केजरीवाल ने कहा वैक्सीन से ही कोरोना को खत्म किया जा सकेगा। देश में वैक्सीन की कमी से लोगों को दिक्कत हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्र सरकार पर लगातार हमले जारी हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में कोरोना संकट काल में नदियों में शवों के तैरने की तस्वीरें सामने आई हैं। मंगलवार को राहुल गांधी ने इसी मुद्दे के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनें मिलों तक, जीवन सुरक्षा का छीना हक, पीएम वो गुलाबी चश्मे उतारो जिसे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ नहीं दिखता। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 25 वॉल्वो बसों को चलते फिरते अस्पताल में किया जाएगा तब्दील। ऑक्सीजन से लेकर प्राथमिक उपचार की तमाम सुविधाएं रहेंगी। प्रदेश को मिलेंगे चलते फिरते अस्पताल, हर जिले के गांव करेंगे दौरा, मरीज को तुरंत बस में मिलेगी ऑक्सीजन। कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार ने हरियाणा रोडवेज की 110 मिनी बसों को बनाया एम्बुलेंस, आपातकालीन स्थिति में होगी उपयोगी। हर जिले को मिलेगी 5 हरियाणा रोडवेज की मिनी एम्बुलेंस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर एक्शन मोड में हैं। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चंडीगढ़ से 2 टैंकर ऑक्सीजन सप्लाई लाने के लिए भुवनेश्वर के लिए रवाना किया। प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए हर रोज हवाई जहाज से टैंकर भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वायुसेना का आभार जताते हुए कहा कि कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में वायुसेना की ओर से प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की मदद से कोविड महामारी के खिलाफ जंग में मदद मिल रही है। सेना के सहयोग से हरियाणा के पानीपत व हिसार में 500-500 बेड के हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश में 17 मई तक लॉकडाउन है लेकिन लोग पार्कों में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे कोरोना केसों में बढ़ोतरी हो रही है। डीएसपी आर्यन चौधरी शहर थाना प्रभारी विक्रम सिंह के साथ नेहरू पार्क और भादरा पार्क में पहुंचे और बेवजह घूम रहे लोगों को लताड़ा। डीएसपी आर्यन चौधरी ने स्पष्ट तौर पर संदेश दिया कि लॉकडाउन का पालन हर हाल में करना है, किसी को भी बेवजह घूमने का हक नहीं है। रानिया रोड स्थित सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन अब जिला प्रशासन ने 12 मई को सब्जी मंडी सिरसा को बंद करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में डीसी सिरसा ने कमेटी बनाई थी। इसके बाद निर्णय लिया गया कि 12 मई को सब्जी मंडी बंद रखी जाएगी। इसके बाद सब्जी मंडी को कपास मंडी में शिफ्ट किया जाएगा जिसके लिए शेड को खाली करवा लिया गया है। विधानसभा सचिवालय में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा सदन संदेश मासिक पत्रिका का विमोचन किया गया। अंबाला में वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सहित कुछ स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने पर बोर्ड पर आवाजाही बंद हो गई। अनंत विभाग के एडिटर डॉक्टर जेएस सिद्धू के अनुसार विभाग की तरफ से चल रहा ऑडिट भी किया गया बंद। सिद्धू की माने तो वक्फ बोर्ड हरियाणा में पिछले 6 महीने से स्पेशल ऑडिट चल रही है।
कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह ने सिरसा के कोविड सेंटरों का निरीक्षण किया और मरीजों के परिजनों से इलाज संबंधी जानकारी भी ली। अस्पतालों के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी जरूर है, जल्द ही इसे दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने सेंटर संचालकों को हिदायत भी दी। कैबिनेट मंत्री संजीवनी हॉस्पिटल, डेरा सच्चा सौदा अस्पताल, लालगढ़िया अस्पताल सहित आधा दर्जन कोविड सेंटरों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी जरूर है, लेकिन जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि कोरोना इतनी तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक ऑक्सीजन की कमी के कारण कहीं भी कोई मौत नहीं सामने आई है, लेकिन फिर भी इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की एक युवती के साथ रेप मामले में गुरु नाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सच्चाई तो यह है कि इस मामले में संयुक्त मोर्चा ने ही मृतका के पिता को एफआईआर दर्ज कराए जाने के लिए कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त मोर्चा ने न तो आरोपियों से अभी तक संपर्क किया है और न ही आरोपियों ने मोर्चा के लोगों से इस मामले में कोई संपर्क स्थापित करने की कोशिश की है। सिरसा के खैरपुर गुरुद्वारा साहिब के प्रांगण में एक वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई, जिसमें काफी संख्या में महिला पुरुष और युवाओं ने वैक्सीन लगवाकर अपने आप को सुरक्षित करने का काम किया। इस मौके पर वैक्सीन लगवाने आए लोगों का कहना है कि वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए, तभी इस महामारी से निजात पा सकेंगे। वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों में शुरू से कुछ संशय थी, लेकिन अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। हिसार रोड स्थित अड्डा परिसर में रोडवेज बसों में स्पेशल एम्बुलेंस तैयार की गई है। पहली बस बनाकर तैयार हो चुकी है और प्रशासन को सुपुर्द करने की तैयारी है। इसके बाद प्रशासन अपने हिसाब से एम्बुलेंस बस का इस्तेमाल करेगा। सिरसा जिले में 4 बसों को एम्बुलेंस में परिवर्तित किया जाना है। बसों में 4 मरीजों के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर सहित तमाम व्यवस्था होगी। 4 बसों में 16 मरीजों को लाने और ले जाने की व्यवस्था होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बड़ा फैसला। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जियो गीता और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने मिलकर कोविड पेशेंट्स को राहत देने के लिए एक सलाह केंद्र शुरू किया है। इसमें 24 घंटे डॉक्टर हर तरह की आपकी समस्या को सुनेंगे और आपको सलाह देंगे। ग्रामीण इलाकों में फैल रहे कोरोना पर राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और ये हमेशा निरुत्साहित करने वाली बात है। मिथिला के छायसा गांव में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज जनता को समर्पित कर दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित कई नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पृथकला के छायसा गांव में स्थित श्री अटल बिहारी सरकारी अस्पताल में आर्मी वेस्टर्न कमांड द्वारा 100 बेड का अस्पताल शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि इस महामारी से जल्द निपटा जा सके। इस अस्पताल के शुरू होने से क्षेत्र के संक्रमित लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ऑक्सीजन के करीब 300 सिलेंडर की व्यवस्था यहां पर की गई है और यदि यहां पर उपचार के बाद भी मरीज को कोई दिक्कत होती है तो उसको तुरंत आगे के लिए भेजा जाएगा। टिकरी बॉर्डर पर बंगाली युवती से रेप मामले में हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज सख्त हो गए हैं। अनिल विज ने मामले को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि एक दोषी को पकड़ा जाएगा और आंदोलन की आड़ में ऐसे जघन्य अपराध निंदनीय है। रेवाड़ी में पुलिस की लापरवाही देखने को मिली। गांव फिदेडी में बिना बनी कोविड जेल की दीवार फाड़कर 13 कैदी फरार हो गए। ये कैदी हत्या, लूट और डकैती जैसे संगीन अपराधों में लिप्त थे। अंबाला में विधायक असीम गोयल को फिर किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। जैतपुर गांव में शादी समारोह में शामिल होने गए विधायक असीम गोयल का किसानों ने विरोध किया। विधायक के विरोध में किसानों ने वापिस जाओ के नारे लगाए। कृषि कानूनों के विरोध में किसान जेजेपी और बीजेपी नेताओं का लगातार विरोध कर रहे हैं। कोविड मरीजों की मदद के लिए भिवानी प्रशासन ने पहल की और कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्प डेस्क बनाया, ताकि लोग अपनी समस्याएं बता सकें। इसके लिए 3 नवम्बर भी जारी किए गए हैं। अब तक 39 लोग कॉल करके अपनी परेशानी बता चुके हैं। फोन आने पर रजिस्टर में समस्याएं दर्ज की जाती हैं और फिर पूरा ब्यौरा कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है। संबंधित अधिकारियों को समस्याओं की जानकारी दी जाती है, शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जाता है और हर स्टेप को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है।
कोरोना संकट की घड़ी में एक बार फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जन चेतना पार्टी वीके अध्यक्ष विनोद शर्मा लोगों की मदद के लिए आगे आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा लगातार अंबाला शहर में अलग अलग इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम करवा रहे हैं। विनोद शर्मा द्वारा पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सैनिटाइजेशन का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। अंबाला शहर के सेक्टर 9 और बाबा विहार में पिछले दो दिनों से सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है। कोरोना की पहली लहर में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा लोगों की मदद के लिए आगे आए थे। विनोद शर्मा द्वारा एक्शन टीम भी बनाई गई है जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों की मदद कर रही है। शहर में सैनिटाइजेशन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का लोगों ने धन्यवाद किया। सरकार ने अब 18 साल से लेकर हर उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और जागरूक भी हो रहे हैं। करनाल में अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर बुजुर्ग वैक्सीन का टीका लगवाकर कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना सहयोग दिया और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। चरखी दादरी में चाकू डंडों से पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। बीच बचाव करने पहुंचे भाई पर भी हमला किया गया। चंपापुरी कॉलोनी के रहने वाले 22 साल का विकास जागड़ा घूमने आया था और जलघर की ओर गया था। आधा दर्जन युवकों के साथ बीती बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान युवकों ने विकास पर डंडों से हमला कर दिया। हमले की सूचना मिलने पर विकास का भाई रवि मौके पर पहुंचा तो हमलावरों ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। उसे घायल को फरार हो गए। विकास को गंभीर हालत में दादरी के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भिवानी रेफर कर दिया लेकिन विकास ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन की कमी और बाजार में ऑक्सीजन सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा के बाद झज्जर में ऑक्सीजन प्लांट का कार्य शुरू किया। 50 बेड वाले अस्पतालों में 500 मिलीलीटर प्रति मिनट उत्पादन के 9 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट प्रदेश भर में लगने हैं जिनमें झज्जर, रतिया, वल्लभगढ़, पटौदी, सोहना, हांसी, होडल, समालखा सहित कई शामिल हैं। 500 लीटर के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो कि डीआरडीओ द्वारा 100 बेड वाले अस्पताल में लगाए जाने हैं जिनमें नारायणगढ़, चरखी दादरी, फतेहाबाद, पलवल, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, मारकंडा, जगाधरी, रोहतक, नारनौल, मांडीखेड़ा शामिल है। गुरुग्राम में कोरोना रोकथाम के तहत पूरे जिले में चल रहे लॉकडाउन में बिना ई पास के घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आगामी 17 मई तक जिले में लॉकडाउन लागू है और जिला प्रशासन की ओर से जिलावासियों को केवल आवश्यक कार्य हेतु ही ई पास के साथ बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। लॉकडाउन में आम जनता को किसी तरीके की परेशानी ना हो उसके लिए प्रशासन की ओर से मूवमेंट पास जारी किए जा रहे हैं और उसी आधार पर आमजन अपनी आपातकालीन आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। ब्लैक फंगस के मामले पर अनिल विज ने कहा कि ब्लैक फंगस हरियाणा से संबंधित नहीं है लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड के बाद इसके लक्षण भी दिख रहे हैं। लॉकडाउन में शराब तस्करी के मामलों में अनिल विज ने स्थानीय पुलिस कप्तानों को कड़े निर्देश दिए हैं। अनिल विज ने बताया कि उन्होंने पुलिस कप्तानों को ये निर्देश दिए हैं। विज ने कहा कि सिर्फ तस्करी कर रहे ड्राइवरों पर मामले करने के कुछ नहीं होगा। ये शराब जहां से नकली है उन मुख्य आरोपियों तक पहुंचाया जाए। लॉकडाउन के दौरान बाजारों में ढीले लॉकडाउन को लेकर अनिल विज ने तल्ख तेवर दिखाए हैं। अनिल विज ने बताया कि सभी उपायुक्तों ने आदेश दिए गए हैं जरूरी सामान से जुड़ी हुई दुकानों के दुकानदार अगर सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनकी दुकानें बंद कर दी जाएं। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण चक्र को तोड़ने के लिए ग्रामीणों की सैंपलिंग अधिक से अधिक की जाए। बनवारी लाल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से आह्वान किया कि वे स्वस्थ होकर सुरक्षा की दृष्टि से आपदा के इस दौर में मास्क का उपयोग करें, एक दूसरे से उचित शारीरिक दूरी बनाकर रखें। उन्होंने कहा कि गांव में जागरूकता लाने के लिए प्रशासन की ओर से जागरूकता वाहन भी भेजे जा रहे हैं और धार्मिक स्थलों से मुनियादी भी कोरोना रोकथाम के बारे में की जा रही है। बनवारी लाल ने कहा कि सरकार ने कोविड 19 के दूसरे चरण के हालातों के मद्देनजर महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को आगे बढ़ाने का निर्णय जनहित में लिया है। इस निर्णय के अनुसार महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी को किया ढेर। मारे गए आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे। पूरे इलाके में सेना ने चलाया तलाशी अभियान, इस साल अब तक 72 आतंकी मारे गए। घाटी में लगातार सेना कर रही एनकाउंटर। ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की भारी किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के आवंटन के लिए 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये टास्क फोर्स परामर्श और सूचना के लिए केंद्र सरकार के मानव संसाधन विभाग से सलाह और मशवरा के लिए स्वतंत्र होगा। ये फोर्स काम करने के लिए अपने तौर तरीकों और प्रक्रिया तैयार करने के लिए भी स्वतंत्र होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित नेशनल टास्क फोर्स के 12 सदस्यों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। नेशनल टास्क फोर्स के संयोजक भी इसके सदस्य होंगे, जो केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर का अधिकारी होगा। अम्बाला में एम्बुलेंस चालक की लापरवाही का मामला सामने आया। आरोप है कि अम्बाला कैंट सिविल अस्पताल से PGI रेफर किए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज ने एम्बुलेंस चालक की लापरवाही के चलते अपनी जान गंवा दी। भिवानी में CIA की टीम निजी अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। स्टोर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन 35,000 रुपए में बेचा जा रहा था। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस देखा गया है। गुजरात के सूरत में ब्लैक फंगस की वजह से 8 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। कोरोना की वजह से ये संक्रमण ज्यादा फैल रहा है और देर से इलाज मिलने पर मरीज की मौत भी हो सकती है। सरकार ने संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अलग वार्ड बनाया ताकि समय रहते संक्रमण को रोका जा सके। कोरोना से जंग जीतने के लिए दुनिया भर के तमाम देश भारत की मदद कर रहे हैं। ब्रिटेन से 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 1,000 वेंटिलेटर की एक खेप भारत आई। हर जनरेटर 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है, जो समय में 50 लोगों का इलाज करने के लिए पर्याप्त है। इससे पहले UK की तरफ से काफी संख्या में मेडिकल उपकरण भेजे जा चुके हैं। दक्षिण कोरिया से पहली बार भारत के लिए मदद आई है। दक्षिण कोरिया से मदद के तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर और कई मेडिकल उपकरण भारत पहुंचे। नूह जिले के 3 ड्राइवर ईद मनाने के लिए कानपुर से अपने गांव आ रहे थे। जैसे ही वे कंटेनर पर सवार होकर निकले तो सामने आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी। सरकारी तेल कंपनियों ने फिर पेट्रोल और डीजल दोनों ईंधनों के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल में प्रति लीटर 26 पैसे बढ़ोतरी हुई है तो डीजल में 33 रुपए बढ़ोतरी की गई है। पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ में ग्रेनेड का जखीरा बरामद किया गया। सेना ने अभियान में कहा कि सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 19 ग्रेनेड बरामद किए। एक दिन में पहले संयुक्त टीम ने डोडा जिले के चरकंडी गांव के इलाकों में 40 किलोग्राम विस्फोटक, 4 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर समेत लोहे के हथियार बरामद किए हैं। चीन का नियंत्रित रॉकेट आखिरकार बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हिंद महासागर में मालदीव्स के पास गिर गया। इससे पहले इसके न्यूजीलैंड के आसपास किसी द्वीप पर गिरने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन साथ ही साइंटिस्ट ये भी कह रहे थे कि ये किसी भी समय कहीं भी गिर सकता है।